हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए आलू प्याज की कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये कचौरी की जो स्टफिंग रहेगी वो आलू प्याज की रहेगी, और इस कचौरी को बहुत ज़्यादा राजस्थान वाली साइड पे पसंद किया जाता है। वैसे एक और टाइप की कचौरी होती है, जो होती है मूंग दाल की कचौरी, जिसको बेसी कचौरी कहा जाता है। उसकी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर रेसिपी डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देख पाओगे। तो जो आलू प्याज की कचौरी है ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहती है, और जो बेसिक कचौरी है मूंग दाल वाली वो बहुत ज़्यादा खस्ता रहती है। खस्ता मतलब हो गया फ्लेकी कचौरी, और क्रिस्पी मींस बहुत ज़्यादा करारी कचौरी। तो आज हम जो आलू प्याज की कचौरी बनाने जा रहे हैं ना, इसके लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत रहेगी वो है आलू। यहाँ पर मैंने 5 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने बॉयल भी कर लिया और उनका छिलका भी उतार लिया। उसके साथ आपको 2 बड़े प्याज जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ आपको मैदा की ज़रूरत पड़ेगी। मैदा यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ले लिया, और इसके साथ जो मसाले रहेंगे वो रहेंगे, सबसे पहले आपको कसूरी मेथी की ज़रूरत पड़ेगी, आमचूर पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, इसके साथ आपको सौंफ 2 चम्मच, बेसन 3 बड़े चम्मच, चीनी 1 बड़ा चम्मच, अजवाइन 1 बड़ा चम्मच, जीरा 1 बड़ा चम्मच, साबुत हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच, साथ में आपको मिर्ची की ज़रूरत पड़ेगी, नमक की ज़रूरत पड़ेगी, गरम मसाला की ज़रूरत पड़ेगी, और हींग। अब आप इन सब का इस्तेमाल करके अपनी आलू प्याज की कचौरी बहुत आसानी से बना पाएंगे घर पे। मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मसाले पीस लेंगे। तो सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच सौंफ का डाल दीजिएगा, 1 बड़ा चम्मच जीरे का डाल दीजिएगा, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया डाल दीजिएगा, और साथ में 1 ही बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का डाल दीजिएगा। अब हम इन सबको मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे और इसका एक दरदरा मिक्सचर बना लेंगे। तो देख पाओगे जो मिक्सचर है वो बन चुका है दरदरा सा। अब इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा रहा मिक्सचर बनके। अब हम क्या करेंगे, आलू प्याज की स्टफिंग बना लेंगे। तो आलू प्याज की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया, गैस ऑन कर लेंगे। अब इसमें जाएगा ऑयल कम से कम 2 बड़े चम्मच। अब इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। जो आपका ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगा आपने जो अभी मिक्सचर पीसा था वो सारा का सारा डाल दीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे से भूनने देते हैं 50 सेकेंड्स के लिए। अगर हमने ज़्यादा भूनेंगे तो वो जल सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ही इसको भूनना है। तो जो आपका मिक्सचर है वो अच्छे से भुन गया है, इसके अंदर जाएगी आपकी हींग। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है, तो हींग थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी। अब हींग डालने के बाद भी इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पका लीजिए। तो अब हींग के बाद इसमें जाएगा आपका बेसन, जो हमने 3 बड़े चम्मच लिया था। अब बेसन डालने के बाद आप अपनी जो गैस है ना उसको लो कर दीजिए। लो करने के बाद इसको धीमी आँच पर अच्छे से अब आपने इसको पकाना है। जब तक आपका बेसन जो है वो पक नहीं जाएगा, उसमें से एक खुशबू महक नहीं आने लग जाती पकने की, तब तक अब आपने इसको अच्छे से पकाना है। और आपको पता है हम बेसन इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, ये सबको इकट्ठा जोड़ने का काम करेगा। तो इसलिए इसको डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, और अब इसको ऐसे ही पकने दीजिए कम से कम 5 मिनट्स के लिए, जब तक बेसन आपका अच्छे से पकना जाए। तो बेसन बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर जाएगा आपका गरम मसाला 1 चम्मच जितना, और साथ में 2 बड़े चम्मच जितना आमचूर पाउडर, और अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको भी पका लेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हम सारे के सारे मसाले लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, क्योंकि अगर हमने हाई फ्लेम पे पकाए ना तो वो जलने का डर है, तो इसलिए लो फ्लेम पे इनको अच्छे से पकाइएगा। अब आमचूर डल गया, उससे बहुत अच्छा खट्टा फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हमारा सब कुछ पक चुका है, अब इसमें जाएंगे आपके प्याज। प्याज डाल दीजिए,
अब हमने प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से पकाना है, जब तक आपका जो प्याज है ना वो पक ना जाए, तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे प्याज को। तो इसको पकाने में हमें कम से कम 5 मिनट्स जाएंगे। तो अब अच्छे से अपने प्याज को पकने दीजिए, जब तक आपका प्याज जो है वो थोड़ा सा मैश ना होने लग जाए, इस कंसिस्टेंसी का जब तक ना हो जाए आपका प्याज, तब तक इसको अच्छे से पकने दीजिए। तो अच्छे से पकने देते हैं प्याज को। तो आप देख पाओगे जो प्याज है ना वो थोड़ा सा अच्छे से भुन चुका है। लाइक आपको मैं समझाती हूँ कैसा होगा। ये देखिए प्याज जो है ना आपका वो रहेगा थोड़ा कच्चा ही, लेकिन उसके ऊपर ना शाइन सी आने लग जाएगी। तो शाइन आएगी तो वो यही बताएगा कि आपका जो प्याज है वो अच्छे से पक चुका है। तो हमें ऐसा ही चाहिए था प्याज। अब इसके अंदर जाएंगे आपके मसाले। अब जाएगा इसमें नमक स्वाद के अनुसार और मिर्ची, ये भी आपके स्वाद के अनुसार जाएगी। अब ये डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए अपने नमक और मिर्ची को। और अब आपने नमक डाला है ना, तो इससे भी जो आपका प्याज है ना वो जल्दी पक जाएगा। तो नमक डालने के बाद भी इसको हमने कम से कम 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, ताकि आपका जो प्याज है वो अच्छे से पक जाए। तो ये अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके अंदर जाएंगे आपके मैश्ड आलू, मतलब उबले हुए आलू, जिनको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। कम से कम आपको 3 डालने पड़ेंगे। तो अब आप इनको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आलू है ना वो भी एक तरीके से बाइंडिंग का काम कर रहे हैं। मींस बेसन और आलू मिलके आपकी स्टफिंग को इकट्ठा करने का हेल्प करेंगे। तो अब इसको भी अच्छे से मैश करके मिक्स कर दीजिए अपनी स्टफिंग में, अच्छे से कर दीजिएगा। तो अच्छे से आलू भी जो है वो मिक्सअप हो चुके हैं आपके मिक्सचर के साथ। तो अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो जाएगा वो रहेगी चीनी। 1 बड़ा चम्मच चीनी डाल दीजिए, जिससे चीनी का मीठापन प्याज के साथ मिक्स होके प्याज के मीठेपन को और उभारेगा। अब हमने तब तक ही पकाना है जब तक जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। तो चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है आपकी स्टफिंग के साथ। इसी टाइम पर अब आप गैस ऑफ कर दीजिए। अब गैस ऑफ करने के बाद हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब ऐसे करते करते मैं अपनी सारी की सारी स्टफिंग निकाल लूँगी इस प्लेट में। तो अब मैंने स्टफिंग निकाली है प्लेट में, अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब जब तक हमारी जो स्टफिंग है वो ठंडी हो रही है, तो हम कचौरियों का डो बना लेते हैं। तो अब हमने कचौरी बनाने के लिए एक बर्तन ले लिया है। अब इसमें जाएगा आपका मैदा 250 ग्राम। अगर आपको मैदे की नहीं बनानी है तो आप एक काम कीजिएगा, 250 ग्राम में से उसका 250 ग्राम का जो हाफ है 125 ग्राम्स, उतना मैदा ले लीजिएगा और 125 ग्राम्स ही आटा लेके उसका एक मिक्सचर ले लीजिएगा, तो आप उससे भी कचौरियाँ बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल 250 ग्राम आटा मैदा लेके ही बना रही हूँ। अब इसमें जाएगी आपकी अजवाइन, अजवाइन क्रश करके डाल दीजिए 1 चुटकी जितनी, और उसमें जाएगा नमक, नमक 1/2 चम्मच जितना डाल दीजिएगा। अब डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल सा बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर जाएगा आपका रिफाइंड ऑयल। एक बात मैं आपको बता दूं, हम जो आज कचौरियाँ बना रहे हैं आलू प्याज वाली, ये रहती हैं क्रिस्पी, तो क्रिस्पीनेस आएगी तेल से। और अगर हम मूंग दाल की कचौरियाँ जो हमने बनाई थी वो रहती हैं खस्ता, और खस्ता बनती है घी से। तो ये एक डिफरेंस है क्रिस्पी बनाने और खस्ता बनाने का। तो आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी, तो क्रिस्पी के लिए यहाँ पर डलेगा रिफाइंड ऑयल। अब रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स कीजिएगा सारे आटे को, ताकि मोन बहुत अच्छा बन पाए। जब तक आपका सारा आटा जो है ना मोन वाला नहीं बन जाता, मीन्स हर एक आटे के दाने के साथ आपका जो ऑयल है वो मिक्स नहीं होगा, तब तक आप इसको अच्छे से मिक्स करोगे। ऐसे ही करते रहिएगा। तो आप देख पाओगे, ये देखिए सारा का सारा आटा जो है वो ऑयल के साथ मिक्स हो गया। और इसका एक ही तरीका है समझने का,
आप इसको अगर इकट्ठा करोगे तो आप देख पा रहे हो ये इकट्ठा जुड़ पा रहा है। तो जुड़ने का मतलब यही है कि जो सारा का सारा ऑयल है ना वो आपके आटे के साथ मिक्स हो गया, जिस वजह से ये बहुत अच्छा मोन बना और बहुत ज़्यादा करारी क्रिस्पी कचौरियाँ बनेंगी। अब इसमें जाएगा थोड़ा थोड़ा सा पानी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करके एक बहुत सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं कितना सॉफ्ट डो बना रही हूँ। हमें बहुत सॉफ्ट सा ही डो बनाना है। ये देख सकते हो कितना अच्छे से ये इकट्ठा आना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा हार्ड है, हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा बनाना है। देख सकते हो आटा बन चुका है, लेकिन मैंने इसमें अभी और पानी डाला है ताकि ये बहुत सॉफ्ट डो बन पाए। जितना अच्छा सॉफ्ट डो बनेगा ना उतनी अच्छी आपकी करारी कचौरियाँ बनेंगी। तो ये एक ट्रिक है, देखिए हम इसको जान पूछ के खुद ही सॉफ्ट करे जा रहे हैं। अब ऐसे ही इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, और अगर आपको लगे कि आपका जो आटा है वो मिक्स नहीं हो रहा है तो आप उसको ऐसे पटक पटक के भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा, ऐसे करने में आपको कम से कम 2 to 3 minutes तो लगेंगे ही लगेंगे। तो 2 to 3 minutes हो गया, मैंने अब अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लिया। आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और पानी वाला बना है। अब इसके ऊपर हम एक कपड़ा रख देंगे, कपड़ा रख के इसको अच्छे से हम ढक देंगे। अब इसको ऐसे ही हम ढके रहने देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। अब हमारा जो 15 मिनट तक जो हमारा डो है वो रेस्ट करेगा। गाइस 15 मिनट हो चुके हैं हमारे आटे को रेस्ट करते हुए, हम कपड़ा हटा लेंगे। अब आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से रेस्ट कर चुका है और इकट्ठा भी आना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी ये थोड़ा चिपचिपा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे ताकि अब हम इसको थोड़ा सा हार्ड कर पाएँ। अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चिपचिपा है। अब डालने के बाद इसको अच्छे से नीट करेंगे और इसका एक आटा सा लगा लेंगे। नीट करिए, देखिए अब ये कैसे सारा का सारा आटा इकट्ठा आना स्टार्ट हो गया। हमें ज़्यादा आटा नहीं डालना था, बस थोड़ा सा डालना था ताकि ये इकट्ठा आ जाए बाइंड तोड़ने के लिए। अब ये इकट्ठा आ चुका है, अब इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए नीट कर लेंगे। तो नीट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे इसको अपने हाथों में लेंगे। अब हाथों में लेने के बाद इसको अपने हाथों पे ही रोल करेंगे और इसको बड़ा बड़ा करके इसके छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लेंगे। अब देख पाओगे अब ऐसे करते करते हम सारी बना लेंगे। थोड़ा सा आटा लेंगे अपने हाथों में और उसका एक पेड़ा बन जाएगा। अब ऐसे करते करते हम रोल्स बना लेंगे। तो हमारे रोल्स बन चुके हैं, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ऐसे करते करते मैं सारे के सारे रोल्स अपनी प्लेट में निकाल लूंगी। तो हमारे रोल्स भी बन चुके हैं और स्टफिंग भी बन चुकी है। अब हम इन दोनों को यूज़ करके अपनी कचौरियाँ बना लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक रोल लेंगे, उसको अपने हाथों की हेल्प से अच्छे से उसको शेप दे लेंगे। अब देने के बाद अब अपनी अंगूठों की हेल्प से उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको दबाएंगे, ना कि मिडल में, सेंटर मोटा ही रहने देंगे लेकिन उनके कॉर्नर्स को अच्छे से पतला करेंगे। देख पाओगे आप मैं कैसे कॉर्नर्स को अच्छे से पतला कर रही हूँ। और अब आप देख पा रहे हो मेरा डो सॉफ्ट होने की वजह से ही मैं अपने हाथों की हेल्प से ही इसको बड़ा कर पा रही हूँ और पतला कर पा रही हूँ। अगर यही चीज़ हार्ड होती तो हमें बेलन की हेल्प से करना पड़ता और उससे फिर वो ज़्यादा करारी नहीं बनती है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें सॉफ्ट ही आटा मलना होता है। और अब आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको कॉर्नर्स को पतले किया और मिडल से थोड़ा सा मोटा ही रहने दिया। अब इसके अंदर आपकी कचौरी की स्टफिंग जाएगी, उसको अच्छे से अपने हाथों पे दबाइए और उसका एक सर्कल सा बना लीजिए। बनाने के बाद उसको मिडल में रख दीजिए। अब मिडल में रखने के बाद हम अपनी कचौरी को बंद कर लेंगे, जैसे कि आप परोंठी को करते हो।
अच्छे से, जैसे हमने पोंठी को कवर करते हैं, कवर करने के बाद अच्छे से बंद कीजिएगा ताकि जो आपकी कचौरी है वो खुल ना पाए। और अब आप देख पाओगे कि ये ये हार्ड नहीं था डो, इस वजह से ये अच्छे से सील हो चुकी है, नहीं तो सील करने में आपको टफ होता। अब सील करने के बाद इसको अच्छे से रोल कर दो फिर से, तो ये आपकी कचौरी स्टफ्ड हो चुकी है। ऐसे करते करते हम सारी कचौरियों को स्टफिंग से भर लेंगे। तो मैंने जो स्टफिंग है वो सब कचौरियों के अंदर भर दी है। अब स्टफिंग भरने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको अपनी दोनों पाम में रख के उसको दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। अब प्रेस करने के बाद इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, थोड़ा अच्छे से प्रेस कीजिएगा। ये देखिए अब मैं इसको कैसे प्रेस किया, दोनों साइड से आप देख पाओगे, अपनी पाम की हेल्प से, उसके बाद फिंगर्स की हेल्प से इसको मैंने अच्छे से प्रेस किया। ये देखिए तो हमारी जो कचौरी है वो रेडी हो चुकी है। अब ऐसे ही करते करते मैं सारी कचौरियों को बड़ा कर दूंगी। तो मैंने सारी कचौरियाँ फ्लैट कर ली हैं, अब इनको इसके ऊपर फिर से कपड़ा रख के एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे कम से कम 15 मिनट्स के लिए। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं, हमारी कचौरियाँ जो है वो रेस्ट कर रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में ऑयल रख देंगे गर्म होने के लिए। इवन मैंने पहले ही रख दिया था, तो मेरा जो ऑयल है वो गर्म भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो अपनी कचौरी है ना उनको ऑयल में फ्राई करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हमें डबल फ्राई करना है। पहली बारी हम सिर्फ इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जस्ट 10 सेकेंड्स के लिए। तो मैं अपनी कचौरी उठाऊंगी और उसको ऑयल में डाल दूंगी, और ऑयल में डालने के जस्ट 10 सेकेंड्स बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हमने इसलिए निकाल लेना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक ना पके, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आए। तो 10 सेकेंड्स बाद ही मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब ऐसे ही करते करते मैं सारी निकाल कर लूँगी। तो मैंने सारी की सारी कचौरियों को 10 सेकेंड्स के लिए ऑयल से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो अपना ऑयल है ना उसको ठंडा होने देंगे। अब हमने ठंडे ऑयल में अपनी कचौरियों को पकाना है। कहने का मतलब ये है कि ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म, वैसा तेल होगा तब हम उसके अंदर अपनी कचौरियों को पकने देंगे। तो अब हम अपने ऑयल को ठंडा होने देते हैं। तो अब जो ऑयल है वो ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपनी कचौरी लेंगे और उसको अपने ऑयल में डाल देंगे। अब धीमी आंच पे इसको अच्छे से पकने देंगे। जब ये धीमी आंच पे पकेगा ना तो ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो अब इसको ऐसे ही पकने देते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे अब जैसे आपकी कचौरी ऊपर आना स्टार्ट हो गई है, ये एक इंडिकेशन होता है कि आपकी कचौरी बहुत अच्छे से पक रही है। तो अब हम इसी टाइम पे क्या करेंगे, इसको टर्न कर देंगे ताकि ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से पके। और अब इसको अच्छे से दूसरी साइड से भी पकने देते हैं। तब आप देख पाओगे आपकी कचौरी बहुत अच्छी करारी और फूली हुई बनी है। अब इसी टाइम पे हम इसको बाहर निकाल लेंगे, और निकालने के बाद ऐसे ही करते करते अब मैं सारी की सारी अपनी कचौरियाँ बना लूँगी। आप देख भी पाओगे कितनी अच्छी फूली हुई बनी है और करारी बनी है। अब मैं सारी बना लूँगी ऐसे ही। तो मेरी सारी की सारी जो कचौरी है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, रेडी टू सर्व है। और मैं इनको इमली की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। ये इमली की चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे डाली है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप जाके देख लेना। तो ये कचौरियाँ आलू प्याज की इमली की चटनी के साथ बहुत अच्छी जाती हैं, तो इसको आप इसके साथ इंजॉय कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे YouTube चैनल को। और आपको मैं दिखा भी देती हूँ कितनी ज़्यादा ये फूली हुई, कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी है कचौरियाँ। ऐसी ही होनी चाहिए आपकी कचौरियाँ।